उस शाम का टाइम हो गया है और हम लोग हटो तो हटो, हैंड पर्स हटो। ये देखो क्या क्या लेकर सोता है अपने साथ, पूरा पीपी बीबी सब लेके सोता है ना। बोलो हेलो। तो चलिए अभी से ही हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले का ब्लॉग तो आप देखे ही होंगे। तो चलिए इसी साथ वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्पेशल एंड ब्लॉग्स। कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारा ब्लॉग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बदमाशों को देखिए, फिर से मिल गया खाई खाई, खाते खाते सोया था फिर उठ के खाने लगा। चलो ना, रोटी नहीं खाओगे क्या? सुबह में राइस ही खा लिए थे। और ठंड आज अच्छे खासे से पड़ रही है, जैसे हम लोग ये वाला ब्लैंकेट ओढ़ के सोए थे, अभी हटाया है तो ऐसे अभी ठंडी ठंडी सा फील हो रही है, तो उठने के बाद जैकेट डालूंगी। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, खाना खाएंगे और इनको भी रोटी सेक के खिलाऊंगी और मैं भी रोटी खाऊंगी, फिर बनाएंगे हम लिट्टी। आज डिनर में क्या बनेगा? मटर की लिट्टी या सत्तू की लिट्टी, क्या खाओगे? मटर की लिट्टी या सत्तू की लिट्टी बोलो। तो आज लिट्टी बनेगा बॉयल करके, क्योंकि 2-4 दिन पहले मैं बनाई थी मटर की लिट्टी बॉयल करके, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आज सोच रही हूँ कि फिर से वही बनाऊँ बॉयल करके ही। तो आप लोग को भी दिखाऊंगी कैसे बना रही। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और चलते हैं अपने दिनचर्या की तरफ। सोना वना हो गया है, मैंने कर्टन लगा कर सोया था। ठंड बहुत लग रही है और लग रहा है कि इस टाइम ब्लोअर भी निकालना पड़ेगा। ब्लोअर सुबह से सोच रही, लेकिन ब्लोअर है प्लग में, तो प्लग कृष्ण के डैडी आएंगे तो ही खुल पाएगा, इसीलिए नहीं तो अभी तक तो जलता रहता रूम में। तो देखते हैं वो आते हैं तो फिर ब्लोअर निकालेंगे और रूम में लगाएंगे, है ना। कर दो बाय बाय, से बाय, हेलो से हेलो। मामा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, बोल दो। हाँ जा, हाय, खुद से गिरा है ना। ऐसे बनाइए, ऐसे यहाँ पे रखिए, ठीक है ठीक, ओके ओके, ऐसे बनाइए बेटा, वैसे नहीं बनता है। कैसे भी बनाओगे तो नहीं होगा ना। अच्छा, उतना ही मैं खुश। ऐसे ऐसे प्रेस करो, ऐसे इनको सीखना भी नहीं है और खुद से लुढ़क भी जा रहा है। मैं एक बार बताने की कोशिश करती हूँ उनको, ऐसे एक सपोर्ट टाइप बन जाएगा तो फिर मे भी उसको समझ में आए। ऐसे यहाँ पे रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, सपोर्ट हो जाएगा, रखो। अच्छा ठीक है, अभी ये खेलने में लगा हुआ है, तब तक मैं जा रही हूँ, इसके लिए खाना लेके आती हूँ। यहाँ पे सब बना हुआ है और थोड़ा सा डोर ओपन हुआ है, निकल चला। दीदी दीदी अभी देखिए वो क्या क्या करेगा, कम करते। चले गए डैडी ऑफिस वापस। ओए पॉटी नहीं, सुसु सुसु बोला, वो पैंट फेंके है ना, इसमें था, वही महक रहा है। दिखा दो, बनाए हो ना। कौन बनाया, कब बनाया हो?
वो दे 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 आ दे आ दे दे वाओ वाओ, क्यों निकाल रहे हो? नहीं निकालो, नहीं निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हो? फिर टूटेगा तो फिर चिल्लाओगे। क्या हो गया? हुआ? हो गया। जल गया था ये देखिए। अभी बाहर का मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे ये प्लांट्स में अगरबत्ती लगा दी हूँ। ये हमारा मेन एंट्रेंस है, ये आपको पता है। डोर तो करती हूँ बंद, और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी शान से वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो सही सोच रहे हैं। चलो आपको दिखाती हूँ कि क्रेशो कहाँ है। वो वहाँ पे गया है, ये देखिए, डैडी के साथ गया है। डैडी आ गए थे आज जल्दी, तो मैंने उसको पूरे से स्वेटर, दो दो स्वेटर डाला है, तब उनको जाने दिया है। आज ठंड है, लेकिन कृष्ण डैडी को भी बोली कि एटलीस्ट फुल टी शर्ट पहन लीजिए, तो नहीं पहने। देखिए हवा कितनी चल रही है। कृषु आज ऐसे खेलते हुए, बच्चे पूरे से भरे हुए हैं पार्क में। यहाँ यहाँ जब तक वो बाहर गया है, तब तक मेरा काम है लिट्टी बनाने का। तो लिट्टी में मैं तैयार कर लेती हूँ सत्तू। सत्तू वाली लिट्टी बनेगी, मटर वाली लिट्टी नहीं बनेगी। तो शुक्र रेडी बोले सत्तू वाली ही बना लो, तो फिर मैं सत्तू वाली ही लिट्टी बनाने जा रही हूँ। बट वो भी बनेगा तो बॉयल करके ही बनेगा, बॉयल करके ही। और इधर मैंने रख दिया है खीर बनने को, तो खीर कृष्ण रेड्डी को मतलब सेवई चाहिए, तो आज घर में सेवई नहीं है, तो मैं खीर से ही आज काम चला लूँगी। और मुझे ये बर्तन सेट करने हैं, तो अभी जा रही हूँ बर्तन सेट करने। ये बर्तन, बर्तन सेट करके, क्योंकि बर्तन सेट हो जाते हैं ना, तो फिर निकालने में आसानी होती है काम करने के टाइम। वो पता रहता है ना कहाँ कहाँ लगा हुआ है। और आज की कपड़ा मैं दिखाती हूँ, कपड़े कितने सारे धुले हैं, बहुत कपड़े धुले हैं। मीन्स इतने सारे मैं डाली भी हूँ, और इस रूम के भी विंडो पे डाला हुआ है, दूसरे रूम के भी विंडो पे डाला हुआ है। और डाला तो डाला है, और मशीन में भी अभी भर के है, जो कि कल डालेगा सूखने के लिए। ये देखिए, चलो लेट नहीं करते हैं, फटाफट अपना काम निपटाते हैं। इधर से विंडो खुला ही रह गया, इसे बंद करते हैं तो मच्छर अटैक करेगा। एटलीस्ट नेट तो लगा ही सकते हैं। चलो लेट नहीं करते हैं, पहले काम कर लेते हैं। इसमें मैंने कट कर लिए हैं मिर्ची, लहसुन, ये अचार, नमक, अजवाइन, यही सब मसाले है, अनियन बारीक चॉप किया हुआ। इसमें हम डाल देंगे हाफ लेमन जूस, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि अचार भी डाला है ना, तो खट्टा हो जाएगा। सॉरी। फिर इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दी चने का सत्तू, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से करेंगे ना तो ये मसाले प्रॉपर मिक्स होते हैं। यहाँ पे मस्त वाली मसाला बन गई है सत्तू के साथ, और हमारा आटा भी लग चुका है। आटा प्लेन आटा है, क्योंकि बॉयल करके बनाना है, तो मैंने पानी रख दिया है हीट होने के लिए। ये बॉयल होगा तब तक हम इसमें फिल कर लेते हैं गोला बना बना के। तो चलो अभी हम कर लेते हैं फिल, छोटू छोटू सा। ये प्लेन आटा, इसमें केवल मैंने सॉल्ट डाला है थोड़ी सी, वो भी हाफ स्पून सॉल्ट डाला है। इतना छोटा छोटा गोला बनाएंगे। ये हमारी गोला बन गई है, और इसको हम ऐसे करके इसमें फिल करेंगे।
ये बन गया। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी स्पून की मदद से डाल देते हैं, थोड़ी नहीं मतलब जितना इसमें आ जाए। और इसे पैक कर लेते हैं। इसमें खड़ी खड़ी मिर्च में डाली हूँ ताकि कृषि को खाने में आसान हो। ये देखिए हमारा छोटू सा प्यारू सा लिट्टी बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारा गोला रेडी कर लेते हैं। पानी अच्छे से बॉयल हो चुकी है और ये बन गया है हमारा लिट्टी। तो इसे ये जो डिजाइन वाली लिट्टी है ना वो हमारे छोटे साहब के लिए है, ये डिजाइन वाली लिट्टी। और ये जो राउंड राउंड लिट्टी है वो हम लोग की है ऐसे। तो पानी बॉयल हो गई है तो मैं कुछ डाल देती हूँ। और मुझे थोड़े 6-7 और बनाने हैं। यहाँ पे आटा बची हुई है तो लिपटापट बना लेते हैं, तब तक ये बॉयल होने में लग रही है। इतनी बन गई है लिट्टी और मुझे लग रहा है कि इतने में हो जाएंगे। थोड़ी सी मसाला बच गई है तो कल ब्रेकफास्ट में बना लेंगे। इसकी पूड़ी मीन्स ऐसे ही सादे वाली आटे में भर के और ऑयल में भी तल लेंगे। तो आज डिनर में होगा लिट्टी। और ये मस्त वाली थोड़ी सी खीर बनी है कृषि और उनके डैडी के लिए, तो बना लेते हैं। उबाल आ गया और ये फूल फूल के ऊपर आ गया पानी पे, तो बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसे मैं निकाल ली हूँ, निकाल के एक थाली में रख दी हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर फ्राई करेंगे। फ्राई के बाद वाला वीडियो शायद नहीं शूट हो पाया, पता नहीं कैसे, तो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक लिए टेक केयर।